नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लौकी की खेती किस प्रकार से की जाती है। लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें। और दो इम्पोर्टेंट जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी जो किसान भाई लौकी की खेती पहले से कर रहे हैं, अगर उनको जो पहले से उत्पादन मिल रहा है उससे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए वीडियो का अंत में एवं वीडियो के बीच में दो ऐसे वैज्ञानिक तरीका बताने वाले हैं जिससे लौकी का उत्पादन सीधे दो गुना ले पाएंगे किसान भाइयों। तो ये दो ट्रिक भी आपको लौकी के उत्पादन बढ़ाने की दी जाएगी, और साथ ही लौकी की खेती की बुआई से लेकर मार्केट तक पहुंचने तक की संपूर्ण जानकारी पूरे रिसर्च के साथ दी जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किसान भाइयों सबसे पहले जानेंगे, अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आती है लौकी की सही उन्नत किस्में का चयन करना, क्योंकि अगर आप सही उन्नत किस्में का चयन करते हैं तो आपका बीज का जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, बीज की उत्पादन भी अच्छे मिलेगी और विकास भी अच्छा होगा। तो दो चार उन्नत किस्में जो हमने टॉप वैरायटी के सिलेक्ट कर रखा है, पहले मैं उन्नत किस्में बता देते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में बने रहे क्योंकि अभी बहुत सारा जानकारी देना बाकी है। तो वीडियो में अगर बात करें लौकी की उन्नत किस्में की, तो काशी गंगा उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं क्योंकि यह काफ़ी पॉपुलर वरायटी है लौकी की। यह वरायटी आपको 400 से 450 क्विंटल की उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देती है, और यह 50 से 55 दिन में बिल्कुल तरीके से पैदावार देना आरंभ कर देता है। अब आती है आर्को बहार जो उन्नत किस्में हैं, ये 500 क्विंटल का उत्पादन आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें मिल जाएगी, और ये 50 से 60 दिन में यह उत्पादन देना शुरू कर देती है, इसकी तुराई के लिए फल तैयार हो जाता है। उसके बाद आती है काशी बहार, यह लौकी की एक संकर किस्म है, अगर ये अधिक पैदावार देती है यह 520 क्विंटल का आसपास उपज देती है, यह गर्मी तथा बारिश के मौसम में भी उगाया जाता है। अब बात आती है जब आप उन्नत किस्म का चयन कर लेते हैं तो खेत की जुताई यानी कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। जब आप लौकी लगाएंगे तो खेत की तैयारी अगर सही तरीके से रहेगी तभी आपकी लौकी की पौधे का विकास हो पाएगा। तो खेत की तैयारी करने से पहले आपको ध्यान रखना है लौकी आप किस विधि से लगाना चाहते हैं। आप सीधे खेतों में लगाना चाहते हैं डायरेक्ट बीज, या आपको नर्सरी तैयार करना है। तो अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है, सबसे पहला गलती यही किसान भाई करते हैं कि सीधे बीज को लगाते हैं, आपको नर्सरी तैयार करके ही लगाना है। नर्सरी तैयार करने से होगा क्या, आपका जो लौकी का पौधा है उसका विकास जल्द होगा और साथ ही आपके लौकी का जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा मिलेगी। तो बात आती है कि लौकी की जो पौधे हैं वो किस प्रकार से आपको तैयार करना है। लौकी की जल्दी से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना अति आवश्यक है किसान भाइयों। बीजों को रोग मुक्त करने के लिए बीज रोपाई से पहले उसे गोमूत्र या बाविस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए, उसके बाद उसमें आप प्रोट्रे के माध्यम से नर्सरी लगा सकते हैं, लेकिन बीज उपचारित करके ही नर्सरी लगाएं। तो आपको अधिक उत्पादन के लिए नर्सरी विधि का ही इस्तेमाल करना जरूरी है किसान भाइयों। अब बात आती है बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। खेत में बीज की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई क्यारियों को पानी से भर लेना है। तो इसके लिए हम बात करते हैं आपको खेत को तैयार किस प्रकार से करना है, किस तरीके से आपको क्यारी तैयार करना है और कितने दूरी पर आपकी लौकी की जो है पौधा है उसे लगाना है, जिससे आपकी लौकी में सिंचाई करने में भी किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, लौकी की उत्पादन भी अच्छी मिले, लौकी की पौधे का भी विकास अच्छी मिले। तो खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको गहरी जुताई कर देनी है, जिससे जो पहले वाली फसल की अवशेष पदार्थ है वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पुरानी दो साल एक साल पुरानी जो होती है उस सड़ी हुई गोबर की खाद वो आपको खेतों में डाल देनी है। पुरानी गोबर की खाद डालने के बाद आपको एक बार फिर से भुरभुरी करने वाली जैसे रोटेवेटर से आपको जुताई करवा देनी है, जिससे होगा मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद एक दूसरे को मिल जाएगी। ये मैं आपको सभी फसलों में बताता हूँ, गोबर की खाद काफ़ी उपयुक्त होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, इसलिए डालना अति आवश्यक है। उसके बाद जब गोबर की खाद आप डाल लेते हैं तो आपको क्यारी यानी कि बेड तैयार कर लेना है, और क्यारी तैयार करने के बाद आपको जो लौकी की नर्सरी लगाए हैं वो जो भी स्वास्थ्य पौधा है उस पौधे को लाकर
बेड के ऊपर आपको लगा देना है। जब आप पौधा लगाएंगे तो सही दूरी पर लगाना है आपको पौधा, और बेड के ऊपर लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और लौकी की खेती कर रहे हैं आप तो मैं फर्स्ट वीडियो को शुरू में ही बताया कि मैं वीडियो के आखिरी में दो ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप लौकी की उत्पादन अधिक ले पाएंगे। तो अब समय आ चुका है वो दो जानकारियाँ की। तो किसान भाइयों, लौकी की अगर हम बात करें उत्पादन में, तो आमतौर पर लौकी में अधिक फल नहीं आने की शिकायत रहती है। इसका कारण है फूल आने के बाद सही तरीके से परागण नहीं हो पाता है। दरअसल इसके पौधे एक नर और दूसरे मादा फूल होते हैं। इसमें दो टाइप के फूल होते हैं, नर मादा दोनों। मादा फूल में ही लौकी का फल आता है, किसान भाइयों इस बात को ध्यान रखना है। इसके लिए परागण होना बेहद आवश्यक है। अगर परागण नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है परागण होने के लिए, ऐसे में यदि आपको पौधे पर परागण के लिए मधुमक्खियाँ या तितलियाँ नहीं आ रही है तो आपको परागण की कमी आएगी। इसका जो सबसे आसान तरीका है, आप शहद का छिड़काव कर दें। जैसे ही आप शहद का छिड़काव करेंगे उसके ऊपर मधुमक्खी पौधे पर आने लगेगी, जिससे परागण की जो क्रिया है वो बढ़ जाएगी। ये तरीका होती है उत्पादन बढ़ाने की। अब जो दूसरी कमी होती है उत्पादन न बढ़ने की, स्मॉल फ्रूट्स फॉल डाउन जो होने लगता है, छोटे फल झड़ने लगते हैं, अधिक उत्पादन नहीं होने की एक बड़ी वजह यही है किसान भाइयों, लौकी के छोटे छोटे फल पीले होकर झड़ने लगते हैं। दरअसल लौकी की फल में यह समस्या कुछ मक्खियों के हमले के कारण होता है। यह मक्खियाँ फल पर हमला कर देती है जिससे फल अपने अपने आप पीला होकर सड़ने लगता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से निर्मित कीटनाशक आपको छिड़काव करना जरूरी है। अगर ये दो विधि आप अपनाते हैं तो लौकी की उत्पादन में आपको कमी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो ये रही लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।